फूडोरिया पेश करता है आलू शिमला सब्जी की रेसिपी। नाज़रीन से गुजारिश है कि फूडोरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए फन तबाही की नशरियात के साथ। वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुरू करते हैं। बर्तन में एक खाने का चम्मच तेल डालेंगे और दरमियानी आंच पर गर्म करेंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें एक चाय का चम्मच जीरा डालेंगे। जब जीरा चटकने लगे तो इसके बाद इसमें मोटा मोटा चॉप किए हुए 2 से 3 जवे लहसुन, मोटा मोटा चॉप किया हुआ 1 इंच अदरक और मकाब शक्ल में कटी हुई 1 अदद दरमियाना प्याज डालकर कुछ देर भुनाई करेंगे। याद रहे, प्याज अदरक लहसुन को भूरा नहीं करना। अब इसमें चौकोर शक्ल में कटी हुई 250 ग्राम शिमला मिर्च डालेंगे और थोड़ी सी भुनाई करेंगे। 1 चाय का चम्मच चीनी, कुछ देर भुनाई करेंगे। इसमें उबले हुए आलू डालेंगे और हल्के से टॉस करेंगे। अब इस मौका पर इसमें खुश्क पिसे हुए मसाला जात, जिनमें शामिल हैं 1/2 चाय का चम्मच पिसी हुई हल्दी, 1/2 चाय का चम्मच पिसी हुई सुर्ख मिर्च, 1/4 चाय का चम्मच गर्म मसाला, 1/4 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1/4 कप पानी डालेंगे और अच्छी तरह टॉस करते हुए भुनाई करेंगे। अब इसमें मकाब शक्ल में कटा हुआ 1 अदद टमाटर डालेंगे और मजीद कुछ देर टॉस करते हुए भुनाई करेंगे और ढक्कन ढक कर 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर रख छोड़ेंगे। आखिर में सब्ज धनिया से सजावट करेंगे। आलू शिमला मिर्च तैयार है।